क्लास डे 5 चैप्टर नंबर 1 एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। आज हम इसकी एग्जांपल एक और सॉल्व करेंगे टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द टर्मिनल सिंबल स्टार्ट, ओवल शेप, इट इज ओवल शेप, देन फ्लो लाइन, देन parallelogram, here we input the number n, here we input number n, then process symbol, we will use the rectangle symbol for processing, rem is equal to n mod 2, clear, next step flow lines। जब हमने किसी बात का कंपेयर करना है दैट वन इज़ डिवाइडेड बाय टू और नॉट, देन वी कैलकुलेटेड देन वी यूज द डिसीजन सिंबल विद येस नो आंसर। रैम इज इक्वल टू एन मॉड 2, इसका क्या मतलब है कि जब हमने कोई कंडीशन चेक करनी है कि वेदर एन इज़ डिवाइडेड बाय 2 और नॉट, तभी हमें पता चलेगा ना कोई नंबर इवन है या नहीं है। इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 देन कंप्यूटर विल प्रिंट आउट द इवन नंबर, इफ़ नॉट देन कंप्यूटर विल प्रिंट आउट द ऑड नंबर। क्लियर, दिस इज़ द फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द whether the number is given number is odd or even। clear class, आपने इसमें आपकी बुक में जितनी भी एग्जांपल्स इसकी दी हुई हैं पेज नंबर 14-15 तक जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, बार बार इनको लिखना है कॉपी के ऊपर और इसको ज़ुबानी लिखना है, याद भी करना है इसको अच्छी तरह से ताकि आपकी ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस हो सके और इनका टेस्ट भी देना है। क्लियर क्लास, ओके बाय, फाइन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।